वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सुन लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हम बात करने वाले हैं आज जो VSP D2 रिले होता है, जो पैनल के अंदर लगता है, तो उसे किस वजह से होता है, उसके काम क्या है, उसको किस प्रकार से रीसेट करते हैं, और उसके सिग्नल आने या ना आने का क्या फर्क होता है, उसके सिग्नल कब मिलता है, कब ग्रीन होना चाहिए, कब रेड होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जो अभी आपको हम दिखाते हैं D2 रिले किस प्रकार का होता है और पैनल में किस वर्किंग के लिए लगा होता है। जैसा आप अभी देख सकते हैं, ये VSP D2 फेज सीक्वेंस रिले है। तो ये रिले वहाँ पे लगाया जाता है जैसे पैनल में लगाया जाता है, 3 फेज जहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, कोई फेज लॉस होता है उस कंडीशन में ये उसको मोटर को नहीं रन करने देगा, आगे सप्लाई नहीं जाएगा, मोटर रन नहीं होगा। उससे क्या है कि मोटर की सेफ्टी होगी और पैनल की भी सेफ्टी रहेगी। अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये सेट है 40 पे सेट किया हुआ है। तो ये 40 पे सेट करने का मतलब यह है कि ये जीरो, मतलब कि 40 वोल्टेज अप डाउन होगा, वैसे कंडीशन में वर्क करता रहेगा। लेकिन 40 से ज़्यादा ही अनबैलेंस होगा उस कंडीशन में ये उसको वर्किंग रोक देगा, और इससे आगे जो मोटर है वो सेफ रहेगी। और इसकी जो फेज सिक्वेंस रिले जो कई ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, तो जो दूसरे टाइप के भी होते हैं, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कई प्रकार के रिले हैं। तो यहाँ पे D1 है और ये D2 है, और ये जो है सब फेज सीक्वेंस रिले ही हैं। तो कई मॉडल में आते हैं लेकिन वर्किंग सबका एक ही है। तो जो यहाँ पे D2 जो अपने पास है, तो ये जो D2, इसमें जो हमको रीसेट करने का एक बटन मिलता है रीसेट का, तो ये हमें रीसेट करना पड़ता है। जब तक हम इसे रीसेट नहीं करेंगे तो ये वर्क में नहीं रहेगा, ये ऑटो रीसेट नहीं होगा। लेकिन जो बाकी दूसरे हैं, अभी यहाँ पे देखिए इस टाइप का, तो ये ऑटो रीसेट है, इसमें भी ऑटो रीसेट हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई कटेगी और दोबारा यदि आती है तो यहाँ पे रीसेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये रीसेट हो जाएंगे। तो ये जो फेज सीक्वेंस रिले हैं इस प्रकार से काम करते हैं। और ये वाला जो फेज सीक्वेंस रिले है, ये ज़्यादातर CP30 CP18 जो कुछ पुराने, हो सकता है कुछ नए पी प्लांट में मिले, और इस तरह के रिले मिलते हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचने की नहीं, यदि इसमें रेड इंडिकेशन यहाँ पे आ गया तो आपको रीसेट करना है। लेकिन उससे पहले आपको श्योर होना है कि आपके पास पूरी पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। सप्लाई नहीं आएगी तीनों फेज में प्रॉपर, तो ये वर्क में नहीं रहेगा। यदि आ रही है सप्लाई, आप चेक कर रहे हैं, तो वोल्टेज जब आप चलाते हैं तो जब ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वैसे कंडीशन में भी ये रिले, यहाँ पे आप देखिए 30 से 40 है, 40 से 50 भी रख सकते हैं। लेकिन जितना रख देंगे, ज़्यादा वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगा आगे, तो कुछ देर के लिए। और इसकी टाइमिंग होती है, जैसे मान लीजिए 50 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 30 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितनी सेकंड के लिए ड्रॉप हो रहा है, मान लीजिए कि 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 2.5 सेकंड के लिए ड्रॉप हो रहा है, वैसे कंडीशन में ये ट्रिप नहीं करेगा। ये जब 3 सेकंड से, 3.5 सेकंड, 3 सेकंड से ऊपर जब इसमें वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगा, तब, क्योंकि जब प्लांट चलता है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में तो क्या है, कभी कभी वोल्टेज हमको 415 की जगह 380 350 तक आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में तो बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें टाइमिंग दिया होता है कि 3 सेकंड तक ही सेंस करे, 3 सेकंड के बाद सेंस करेगा, यदि वोल्टेज नहीं मिल रहा है तब वो कट ऑफ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ जो ये फेज सीक्वेंस रिले के बारे में जो यहाँ पे रीसेट का है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।